जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद। आज हम हाजिर हुए एक और बुक रिव्यू के साथ। आज हम रिव्यू करने लगे किताब जिसका नाम है द होम्योपैथिक फैमिली प्रैक्टिस। और ये किताब बहुत ही पुरानी है, मेरे पास ये आई कलकत्ता में, ये किताब छपी है। और इस किताब के बारे में पहले पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ये पढ़ा, इसको रिव्यू किया। इस किताब का जैसे कि मैंने बताया नाम है होम्योपैथिक फैमिली प्रैक्टिस। और इस किताब को जो छापा है वो H.C. भट्टाचार्य साहब ने छापा है 1972 में। ये देखेंगे वो साल है कि 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, तो वो ऐसा दौर था। और उस दौर में मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों ने इतनी टेंशन के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी और ये किताब लिखी 71 में वो माहौल था, और 72 में ये किताब छपी है। ये किताब जो लिखने वाले हैं वो एक बंगाली होम्योपैथिक डॉक्टर ने, जिनका नाम पारी भारिक है, उन्होंने एक किताब लिखी। 596 पेजिस पे ये किताब मुश्तमिल है। और मैं प्राइस देख रहा था तो इस पे 7 रुपीज प्राइस लिखे हुए, चूंकि ये 72 की पब्लिश ओरिजिनल बुक मेरे पास। परिभारिक साहब ने बड़ी ही डिटेल में 596 पेजिस को बंद किया है। मैं आपको बताऊंगा सेक्शन के हिसाब से। सबसे पहले इन्होंने इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जिक्र किया है। ये बहुत ही कम मैंने मैट्रिया मेडिका में ऐसा देखा है, और मैं समझता हूँ ये वाहिद मैट्रिया मेडिका जिसमें मैंने देखा है कि इन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में शुरू में पहले पूरे सिस्टम बताए, यानी कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सब कुछ शॉर्ट में समझाया है। और तकरीबन 35 डायग्राम्स हैं, वो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें 35 डायग्राम शामिल है। उसके बाद इन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया, उसका नाम है डील विद द वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि होम्योपैथिक का क्या वुमेन और चिल्ड्रन में रोल है। इसके बाद इन्होंने सिस्टम ऑफ द बॉडी के बाद होम्योपैथिक को बताया, होम्योपैथिक को इन्होंने डिफाइन किया। साथ ही साथ इन्होंने हैनीमैन की लाइफ स्केच को बताया कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और सारी चीज़ें बताई। उसके बाद इन्होंने एक बड़ी ही यूनिक चीज इन्होंने बताया, वो इन्होंने बताया कि रूल फॉर यूजिंग द मेडिसिन, कि हम दवा तो लेते हैं, लेकिन भट्टाचार्य साहब ने छापा और परिभारिक साहब ने इसमें बताया कि दवा कैसे यूज करना है। तो परिभारिक साहब ही कहते हैं कि होम्योपैथिक की दवा अगर यूज करवाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सुबह का वक्त है, निहार मुंह। और जैसे कि हम सुनते हैं कि जो पान गुटखा खाने वाले हैं वो उनको नहीं देनी चाहिए दवा, लेकिन परिभारिक साहब ने बताया कि नहीं, आप उनको दें, लेकिन 1 घंटे का फासला उसको खोले रखे। और ये खिताब जो है इसमें उन्होंने लिखा है कि आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया इसमें इनडिस्पोजिशन यानी आरजी अदालत का, कि फॉर एग्जाम्पल रात भर आपने शादी में जो है वो सिंगिंग की, उसके बाद आपका गला बैठ गया। ये कहते हैं कि इनडिस्पोजिशन है, ये बीमारी नहीं है बल्कि ये इनडिस्पोजिशन का इन्होंने जिक्र किया। हाउ टू एग्जामिन द पेशेंट, वन ऑफ द बेस्ट तरीकेकार इन्होंने बताया है साइंटिफिक तरीके से, कि भाई सिर्फ अलामत नहीं है, और आपने पेशेंट को ऑस्कल्टेशन करना है, स्टेटोस्कोप लगा के देखना है, परकशन है, पेल्पेड करें अगर पेट में दर्द है तो दबा के देखें। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस छोटी सी किताब के अंदर आप देखें कि ये इसका साइज़ है और ये इल्म के समंदर इन्होंने इसमें दिए। फिर ये आ जाते हैं दवाइयों के सेक्शन के ऊपर, इन्होंने दवाइयाँ बताई हैं, बहुत सारी हेडिंग्स डाली। अच्छा, किताब पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि परिभारिक साहब की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादातर 6 पोटेंसी और लो पोटेंसी पे थी। इन्होंने ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो लो पोटेंसी में इसमें बताई हैं कि 6 में दे दो, 3x में दे दो। जैसे कि फटीग आई यानी कि आंखों की थकावट की इन्होंने दवा बताई कि कैलकेरे का आप 6 और नेट्रामियोर 30 पोटेंसी ये कहने के दे दो। मम्स में इन्होंने बताया कि एकोनाइट, रुस्टॉक्स, बेलाडोना और मर्क आयोडाइड आप मिला के 6 पोटेंसी में दें तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह ओजाइना यानी कि नज़लावी कैफियत, ऐसी कैफियत कि जिसमें नज़ला सड़ जाता है, बदबू आती है, इन्होंने इसमें सिंगल रेमेडी बताई है कैडमियम सल्फ 3x। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ज़्यादातर लो पोटेंसी बताई है, और मैं भी ये किताब पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे भी इन पोटेंसियों पे काम करना चाहिए। मैं ज़्यादातर 3200 और या मरा टिंचर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इन्होंने 3x और 6 और C का यूज़ मुझे बताया है। ओजाइना में इन्होंने कैडमियम सल्फ बताई, फ्लैटुलेंस यानी कि पेट में गैस भरने की इन्होंने कार्बोवेज और लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी बताई है कि अगर ये अगर आप दें तो वो ठीक हो जाए। इसी तरह इरेगुलर मेंसेस में इन्होंने बताया है कि अगर किसी दवा से सही नहीं हो रहे तो पल्सेटिला 6 पोटेंसी और चाइना 6 पोटेंसी आप दें तो वो ठीक हो जाए। कुछ एक्सीडेंटल केसेस इन्होंने शेयर किए कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या देना है। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी में इन्होंने बताया है कि भाई आप नेट्रम सल्फ 6 पोटेंसी में दें। इस तरह बहुत सारी इल्म का समंदर इसके अंदर है। और ड्रॉपसिकल कंडीशन क्या हो गई, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, और आप ये देखें कि पैरालिसिस तक का इन्होंने जो है वो सारी चीज़ें, स्ट्रोक का सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी ही डिटेल में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बताया है। इन लार्ज स्प्लीन, ये आप देख सकते हैं इन लार्ज स्प्लीन वाला इसमें सेक्शन है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये किताब है, इल्म का समंदर है। मैंने इससे बहुत सारी बातें सीखी और मैं अपनी प्रैक्टिस में भी इसको लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और मैंने सोचा कि आपके सबके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप भी इससे जाने। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा
इन्होंने पिक्टोरियल करके भी चीज़ों को बहुत समझाया। तो बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत इल्म का समंदर है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। और परिभारिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें ये किताब का तोहफा दिया और ये किताब उन्होंने लिखी ताकि हमने इससे फ़ायदा उठा सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस किताब की अहमियत का पता चल सके। शुक्रिया।